देखिए बोर्ड एग्जाम से पहले अधिकांश स्टूडेंट गेस पेपर खरीदते हैं। जो साल भर अच्छे से नहीं स्टडी करते वो तो खरीदते ही हैं, जो साल भर अच्छे से स्टडी करते वो भी प्रैक्टिस के लिए और किससे कितना क्वेश्चन लड़ेगा इसके लिए भी खरीदते हैं। अब जाते हैं मार्केट में तो बहुत सारा अलग अलग पब्लिकेशन का गेस पेपर मिलता है। ये देखिए हमारे पास भी बहुत सारा है, सबको कंपेयर करके बताएंगे आज। तो बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि सर इतने सारे पब्लिकेशन में किस पब्लिकेशन का खरीदे, प्राइसिंग के मामले में, क्वालिटी के मामले में किससे ज्यादा लड़ेगा। तो मैं पूरा डिटेल आज क्लास ये वीडियो लाया हूं जिसमें पूरा, इसके बाद ना आपको अलग से जरूरत नहीं है, पूरा डिटेल बताऊंगा, साथ साथ में सब बताऊंगा कि किससे लड़ेगा, कौन खरीदे, पुराना वाला से पढ़ सकते हैं या नहीं। तो मेरे बच्चों हमारे हाथ में एक तो है ये टारगेट का गेस पेपर, एक है ब्रिलियंट का गेस पेपर, उसके बाद एक है जसपाल पब्लिकेशन का और एक है एबन का। तो हमारे पास तीन चार है, चारों सबको मैं कंपेयर करके अभी बता दे रहा हूं कि कौन आपको खरीदना चाहिए। और इन चारों के अलावा ना एक हमारा पीडीएफ कोर्स भी है, इससे भी सबको बताने के बाद इसको ही बताऊंगा कि इसमें क्या क्या चीजें अलग मिलेगी। आपको जो अच्छा लगे वो देख लीजिएगा, हम लोग का टेलीग्राम चैनल टॉपर फिजिक्स के नाम से, काफी सारा चीज मिलेगा इस पर, ज्वाइन हो जाएगा टेलीग्राम पे। और कॉल या व्हाट्सएप नंबर ये है, इसको सेव कर लीजिएगा। अच्छा एक चीज और, जो बच्चे बोलते हैं ना कि सर इंपॉर्टेंट डेरिवेशन 5 नंबर वाला क्वेश्चन जो आप दिए और बहुत सारा चीज जो दे रहे हैं वो इस ऐप पे नहीं मिलता, तो देखिए ये हमारा ओल्ड एमिंग हाई ऐप है, न्यू वाला एमिंग हाई ऐप ये वाला है जिसमें न्यू का यहां लोगो लगा हुआ है, इसमें मिलेगा। तो प्ले स्टोर से न्यू वाला इंस्टॉल करिएगा। ओके तो चलिए देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले तो यहां डिटेल लाया हूं कि देखिए ब्रिलियंट, टारगेट, जसपाल और एबन। तो क्या है ना कि ब्रिलियंट में अगर ऑब्जेक्टिव की बात करूं तो ऑब्जेक्टिव चैप्टर वाइज दिया है, यानी कि चैप्टर वाइज, चैप्टर वन, चैप्टर टू ऐसे करके, टॉपिक वन, टॉपिक टू। और टारगेट में भी ऑब्जेक्टिव चैप्टर वाइज दिया, जसपाल में ऑब्जेक्टिव चैप्टर वाइज नहीं दिया, बस सब मिक्स करके दे दिया, ठीक है। और एबन में भी चैप्टर वाइज। तो ब्रिलियंट में टोटल 910 ऑब्जेक्टिव है 15 चैप्टर से, क्योंकि इसलिए मैं ये बात बता रहा हूं ना, क्योंकि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ऐसा गेस पेपर खरीद लो जिसमें पूरा किताब का ब्रह्मांड ही छाप के दे दिया है। और जब पूरा ब्रह्मांड छाप के दे दिया है तो आपको यही नहीं आइडिया लग रहा है कि रटें कौन, क्योंकि देखिए ऑब्वियस सी बात एक लिमिटे तक नहीं याद कर पाइएगा, है ना। ऐसा तो इतना तो नहीं आपको हो जाएगा कि आप फिर उसके बाद अलबला जाएंगे तो फिर गेस पेपर कौनसी के कहलाया। तो इसलिए मैं ये सब डिटेल लिख के लाया हूं। तो देखिए इसमें 910 क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का, इसमें देखेंगे तो 706 क्वेश्चन है, 96, 55 ऐसे मैंने जोड़ दिया, अलग टॉपिक वाइज दिया हुआ है। इसमें 216, इसमें 365। और वैसे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन इसमें 323 है, टारगेट में देख सकते हैं इस पब्लिकेशन में 298 है, इसमें 114, 247। ओके और ये देख सकते हैं लॉन्ग 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 सब में, ठीक, लॉन्ग क्वेश्चन जो 5 नंबर वाला होता है। इसमें जो है प्रैक्टिकल दिया है, न्यूमेरिकल भी दिया है, इसमें प्रैक्टिकल नहीं दिया है, न्यूमेरिकल नहीं दिया मेरे पास जो है। अच्छा टारगेट में एक चीज मैंने देखा क्या कि जो मेरे पास हिंदी का और इंग्लिश का जो दोनों अलग अलग है ना, पता नहीं आपको यहां से दिख रहा है कि नहीं, इसमें थोड़ा अंतर देखे हम मतलब हिंदी और इंग्लिश में, जैसे हिंदी में जो है उसमें 5 नंबर वाला 40 क्वेश्चन दिया, मैं हिंदी की, इसलिए मैंने हिंदी लिखा हूं हिंदी के अनुसार। और इंग्लिश मीडियम में जो है गेस पेपर इसका टारगेट का, उसमें 46 क्वेश्चन लॉन्ग आंसर दिया हुआ, ठीक है। उसके बाद हिंदी वाला में ना चैप्टर वन, चैप्टर टू अलग अलग दिया हुआ है, इंग्लिश वाला में दोनों को मिला के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक साथ लिखा हुआ है, क्वेश्चन का नंबर भी अलग अलग है। तो ये थोड़ा सा हमें इसमें कंफ्यूजन हुआ जो हमारे पास है उसके अकॉर्डिंग मैं कह रहा हूं। देखिए हमारे पास है उसके अकॉर्डिंग, ओके पता नहीं कैसे, तो ये है, ठीक है। तो आप ये पहले नंबर देख लीजिए और नंबर देख के कंपेयर कर लीजिए, उसके बाद मैं मेन मुद्दा पे आता हूं कि आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। ओके ये सब का नंबर देख लिया। अब देखिए मेरा जो पीडीएफ कोर्स है बच्चों, इस पीडीएफ कोर्स में कितना ऑब्जेक्टिव, तो टोटल 15 चैप्टर है। तो पीडीएफ कोर्स में ना दो पार्ट में भी तैयार हो रहा है, 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद लॉन्च हो जाएगा, 15-20 दिन के बाद। तो उसमें ऑब्जेक्टिव को दो पार्ट में बांटा हूं, एक MVVI, एक VVI हर एक चैप्टर का। तो MVVI में ना लगभग 25-30 ऑब्जेक्टिव मिलेगा हर एक चैप्टर का, और VVI में भी वैसे ही। तो ऐसे करके आप देख सकते हैं कि कितना क्या हो जाएगा, मतलब इससे क्या होगा ना कि जो MVVI है वो मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो ज्यादा लड़ने का चांस है। क्योंकि इस बार आप लोगों को पता होगा कि मेरे एक स्टूडेंट थे जिनका 70 में 69 आया और उनके पीछे का वजह उनका एक ऑब्जेक्टिव का गलत होना था, तो हमको अफसोस होता। और ऐसे एक स्टूडेंट, कई सारे स्टूडेंट, तो इसलिए इस बार मैंने क्या किया ना कि बच्चा का 70 में 70 है, इसलिए मैंने दो पार्ट में ऑब्जेक्टिव को बांट दिया, MVVI अलग, VVI अलग, कि जो बच्चा एक्स्ट्रा पढ़ना चाहे, जैसे होता ना कि नहीं सर हमको तो एकदम 95 लाना है, सर हमको तो 90+ लाना है, तो एक्स्ट्रा VVI ऑब्जेक्टिव भी पढ़े, MVVI भी पढ़े, VVI भी पढ़े, जिसको सिर्फ पास होना हो सिर्फ MVVI पढ़े। तो दो पार्ट में मैंने ऑब्जेक्टिव को बांटा है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हर एक चैप्टर से लगभग 5 से 6, तो आप जोड़ लीजिए 15, 5, 75, तो 75 लगभग शॉर्ट आंसर क्वेश्चन दूंगा, 75 से लेके 80 मान के चलिए, ठीक है। और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जो 30-32 दूंगा उससे फिर उससे आता है पूरा के पूरा। तो मेरा जो पीडीएफ कोर्स अभी आया नहीं लेकिन मैंने बता दिया, ठीक है। तो इसको
और इसको जब आप कंपेयर करेंगे तो मैं क्वेश्चंस काफी कम दे रहा हूं, काफी कम देने से क्वेश्चन से फायदा होता है ना, कि देखिए उससे यह हो जाता है ना कि बच्चा को पढ़ना आसान हो जाता है, बहुत ज्यादा देख के बच्चा डर जाता है। अब इतने सारे एमसीक्यूज रहेंगे चाहे इसमें 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 ये सब में, तो थोड़ा सा तो कंपेरेटिवली अधिक है ही भाई, और ज्यादा रहेगा तो परेशानी तो होगा याद करने में, इतना कम बहुत ज्यादा हो जाता है, मतलब अब देखेंगे तो बहुत ज्यादा है। ठीक है, चलिए अब आते हैं बात पे कि सर किससे 100% लड़ेगा और कौन, पहले तो कौन खरीदे और किससे लड़ेगा। तो देखिए पहली बात तो बच्चों की, अगर आप साल भर स्टडी नहीं किए अच्छे से, एकदम ऑनेस्ट बात बता रहा हूं, और आप चाहते हैं कि नहीं हम बस किसी भी से, हम चाहे पीडीएफ कोर्स दे रहे हैं या गेस्ट पेपर से किसी भी कंपनी से पढ़ के टॉपर बन जाए, तो यह भूल जाइए, ऐसा नहीं होता। ठीक है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे, क्योंकि देखिए आप अपने लैंग्वेज में लिखेंगे। अच्छा एक चीज और मैं देखा, क्या मैं बता रहा हूं कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो ये सब जो गेस पेपर है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन की बात करूं, उसमें सब्जेक्टिव का लैंग्वेज थोड़ा हमको गजब लगा, हिंदी में तो और ज्यादा लगा, हिंदी मीडियम में। हमें लगता है ना कभी कभी, मैं परफेक्टली स्योरिटी नहीं हूं, लेकिन मुझे ऐसा कभी कभी लगता है कि कहीं ये लोग कोई गूगल ट्रांसलेटर टाइप का, जैसे गूगल ट्रांसलेट में इंग्लिश में लिखते हैं तो हिंदी में अनुवाद कर देता है तो एग्जैक्ट सही नहीं होता, लगता है कि मशीन अनुवाद किया है, और वैसे ही कुछ मशीन उसीन से क्या अनुवाद करके लोग डाल दिया, लैंग्वेज नहीं सही ढंग का लगता, मतलब इस तरह का लगता है ना कि वो एक स्टूडेंट नहीं लिख सकता। और है क्या ना कि अगर आप चाहते हैं कि अच्छा नंबर आए तो सब्जेक्टिव का लैंग्वेज आपको ध्यान देना पड़ेगा, अपने लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा, इजी वे में लैंग्वेज में। ठीक है, तो ये समस्या गेस पेपर में है जो मैंने बता दिया। अब देखिए किससे लड़ेगा, तो मैं जो इस मुद्दा पे था उस पे आता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ रट के आप पास हो जाए और रट के मतलब टॉपर बन जाए, तो नहीं बनिएगा। ठीक है, टॉपर तभी बनेंगे जब आपको अपने लैंग्वेज में लिखेंगे क्वेश्चन को, और अपने लैंग्वेज में तभी लिखेंगे जब समझ के पढ़ेंगे। हालांकि हम लोग का एमिंग हाई ऐप है, इसमें हम लोगों ने कोर्स स्टार्ट किया समझ के पढ़ने वाला, आप जाके चेक कर सकते हैं या नंबर जो इस पे कॉल भी करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो पहली बात तो कि कोई भी गेस पेपर हो 100% नहीं लड़ता है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस इधर से कुछ हिस्से, कुछ हिस्से। हाँ ये है कि जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं, कोई भी टीचर, उनका लड़ने का संभावना ज्यादा होता है, क्योंकि एक तो देखिए वो पढ़ा रहे हैं पहली बात, दूसरी बात एक चीज और होती है ना कि जब वो पढ़ाते हैं तो जैसे कोई क्वेश्चन करवाए तो उसी से रिलेटेड 2-3 पॉइंट और बता देते हैं या लिख देते हैं, है ना। जैसे बताएं वो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट, तो आप लोगों को पता होगा न्यूटन पर कूलम्ब होता है, तो वो बगल में बता दिए कि इसका वोल्ट पर मीटर भी होता है, तो चलिए ऑप्शन में अगर ये नहीं आया तो ये आएगा। तो उनके द्वारा दिए गए क्वेश्चन या पढ़ाए गए चीजों से लड़ने का चांस ज्यादा होता है। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। ठीक है, तो 100% तो बड़ा तो आप छोड़ दीजिए, उसके लिए तो फिर आपको सिर्फ पास होने के लिए अच्छा है। ठीक है, अगर टॉपर बनना चाहते तो आपको पढ़ना पड़ेगा। अब है कौन खरीदे, तो देखिए प्राइसिंग के मामले में अगर मैं बोलूं तो इन दोनों में अगर आपको कुछ अच्छा पैसा लगा सकते हैं तो ये दोनों में से कोई खरीदे, थोड़ा सा है। ठीक है, इन दोनों कोई खरीद ले जो आपको लगे, लगता है कि कम पैसा में हो तो जसपाल एवन से एवन में कोई खरीद, लेकिन मैं कहूंगा इसको थोड़ा खरीदने क्योंकि मुझे ये थोड़ा अच्छा लगा, इससे थोड़ा ये बेटर लगा। बाकी आप देख लीजिए अपने अनुसार, आपको जो अच्छा लगे वो खरीद सकते हैं, ये मेरा ओपिनियन है। तो अगर अच्छा पैसा लगा सकते हैं तो ये दोनों में से कोई खरीद लीजिए, और ऐसे तो ये दोनों में से कोई खरीद लीजिए कम पैसे में। ठीक है, और क्योंकि इसीलिए ना कोई खरीद लीजिए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए सब में क्वेश्चन जो होता है ना वो लगभग एक ही रहता है, ऊपर नीचे। हाँ, इसमें जो टारगेट में है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें ज्यादा दिए हुए, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव में इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कम दिए हुए हैं, तो इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज्यादा दिए हुए हैं, मतलब इसमें अलग से कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिए हुए, देखिए ऑब्जेक्टिव भी इसमें ज्यादा है, तो ये भी देख सकते हैं। तो अपने अनुसार आप देख लीजिए कि कौन आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा। और एक बच्चों को कहता कि सर पुराना गेस्ट पेपर से खरीद पढ़ सकते हैं कि नहीं, देखिए मैं कहूंगा अगर कोई भाई बहन का है 100% आप पुराना गेस्ट पेपर से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वही क्वेश्चन हर बार डाला जाता है, थोड़ा वो आगे पीछे करके 2-4 क्वेश्चन जोड़ा जाता है, 2-4 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन हटाया जाता है, ऐसे करके नंबरिंग करके पढ़ना वही है ना, क्वेश्चन लिमिटेड है ना, ऐसा थोड़ी कि हर बार एकदम नए तरह का क्वेश्चन पैदा होता है। आप जो पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड तो अभी भी अगला साल भी इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ना, सब साल वही पढ़ना, सिलेबस वही है, सब कुछ है वही है, भले एग्जाम बोर्ड अपना पैटर्न बदले, कभी क्वेश्चन 10 कर दे कभी 20 कर दे, वो एक अलग मामला है, लेकिन पूछेगा तो उसी से। तो अगर पुराना है तो पुराना से आप खरीद सकते हैं। आशा करते हैं स्टूडेंट्स कि आप समझ गए होंगे आगे किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए जरूर बताइएगा, और आप इस कोर्स के लिए थोड़ा सा वेट करिए 10-15 दिन 20 दिन, बाकी आप ऐप पे जा करके ना जो डिटेल वाला क्लास है उसे एक बार चेकआउट कर सकते हैं, बहुत फायदा करेगा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो बस पढ़िए मेरे बच्चों दिल लगा के, मन लगा के खूब अच्छे से, और हो सके तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा, कॉमेंट में जरूर बताइएगा कि किस टॉपिक पे आगे वीडियो चाहिए। मिलते हैं आप लोगों से अगले क्लास में, पढ़ते रहिए, जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू बच्चों, दिल लगा के पढ़िए और टॉपर बनिए एकदम, थैंक यू।